नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेट की, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में पहला सेट आपने देखा, काफ़ी अच्छा भी लगा आप लोगों को। आप लोग पहली चीज़ लाइक करना भूल जाते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए। और इसमें हम टोटल करेंगे 25 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा क्योंकि हमें 800 आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं 30 प्रश्न टोटल इसमें करने वाला हूँ, जिसमें DI और सेम पैटर्न पर बेस्ड होगा जैसा कि आपसे TCS CGL एंड 2019 एंड CHSL 2019-20 में पूछेगा, ठीक है। एकदम सेम पैटर्न, जितने क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से होता है, एकदम वैसे एडवांस एरिथमेटिक सारा कवर करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर मतलब मिल जाएगा आपको, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा LCM एंड SCF से है। कहा गया थ्री वेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी। कहा गया कि तीन घंटियां हैं जो 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड पे बजती हैं, तो वह एक साथ फिर कितनी देर बाद बजेंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आए कि कुछ अंतराल पे बजती हो, कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी, तो एक साथ के लिए यानी LCM लेना है। तो LCM ले लीजिए, 36 40 और 48 का अगर हम LCM लेंगे तो किससे कटेगा, पहले 4 से काट देंगे, 9 10 और 12, फिर हम काट देंगे 2 से, या 2 से नहीं 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, तो ये बचेगा 9 5 और 6 5 और 3, ठीक है। और 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ख़त्म हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। LCM लेने के लिए 4 चौको 16 पंचे 80 नवा 720, यानी 720 सेकेंड बाद जो LCM आएगा उतने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी, यानी कि हमारा आ गया 720 सेकेंड बाद बजेंगी। और 720 सेकेंड को हम मिनट में अगर बदलें, 720 सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से, यानी कि 00 कट जाएगा, यानी कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे, 12 मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे, समझ आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि जब आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस खुद भी करें, ठीक है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ऐसे देखना है, पहला प्रश्न देखा, सेकंड प्रश्न स्क्रीन पे आया, पॉज करा, खुद से सॉल्व किया, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप मेरी मेथड सीखेंगे, अगर नहीं होता तो आप ध्यान से देखेंगे। कहा गया इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई, यानी कि तीन अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए, उसके अंकों के योग से घटा दिया जाए तो वो सदैव किससे विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई संख्या लेते हैं x, y, z, तो इस संख्या की वैल्यू क्या होती है, 100x प्लस 10y प्लस z, यही तो होती है वैल्यू। अब कहा गया इसमें से इसके अंकों का योग घटा दीजिए, यानी इसमें से अंकों का योग x प्लस y प्लस z घटा दीजिए, तो घटाइए, तो इसमें से घटाएंगे तो 100x माइनस x यानी कि 99x प्लस 100 10y माइनस y 9y और z कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 11x प्लस y, 11x प्लस y। अब एक चीज़ बताइए कि यह संख्या, जो भी संख्या होगी तीन अंकों की, वो किससे कट रही है, 9 एक 9 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि 9 एक ऐसी संख्या होगी जिससे ये हमेशा डिविजिबल होगी यानी विभाज्य होगी, और जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, यानी ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 3 और 9 से, ठीक है, और किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर तीन अंकों की संख्या में से उसके अंकों का योग घटाया जाएगा तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो 3 और 9 से ऑलवेज डिविजिबल यानी ऑलवेज विभाज्य होगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी संख्या से है। कहा गया तीन धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, उनका गुणनफल 162 है, यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्या के वर्गों का जोड़ क्या होगा। कहा गया कि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, यानी अगर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो तीसरी संख्या ए प्लस बी हो गई। अब कहा गया कि उनका योग जो है वो 18 है, यानी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b बराबर दिया गया 18, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या दिया गया आपको सीधे सीधे 9। और कहा गया उनका गुणनफल कितना है, 162 है। अब अगर उनका गुणनफल 162 है तो हम कह सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है आपको, 162, यानी कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो जाएगा 18। अब ए बी बराबर 18 हो गया तो आपसे कहा गया संख्या के वर्गों का जोड़ क्या होगा, तो संख्या के वर्गों का जोड़ यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आपको निकालना है।
तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और प्लस माइनस टू ए बी सही से लिख लेते हैं माइनस टू ए बी, और प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये टू टाइम्स हो जाएगा। यानी अब सबकी वैल्यू आपको पता है, फटाफट पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि इक्यासी माइनस टू ए बी यानी टू इंटू एटीन यानी 36, यानी कि ये आपका हो गया दो कम दो 162 माइनस 36 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 126। समझ आ गया ना, आपका आंसर हो जाएगा 126। या आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि वैल्यू पुट करके आप करेंगे, ये आपका होमवर्क दिया गया है। चलिए अगला पाइप एंड सिस्टर्न से आ गया, यानी कि नल और टंकी से। कहा गया ये वाटर टैप फिल्स अ टब इन पी आर्स एंड अ सिंक एट द बॉटम इम्पटीज इट इन क्यू आर्स। इफ पी इज लेस देन क्यू एंड वॉट टैप एंड सिंक आर ओपन द टैंक इज फिल्ड इन आर आर्स। तो कहा गया है क्या होगा, आपको रिलेशन बताना। कहा गया एक पानी का नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है। हम मान लेते भरने वाला ए है जो पी घंटे में भरता है, ठीक है, और नीचे लगा सिंक यानी कि जो खाली करने वाला है बी, वो उसको कितने घंटे में खाली करता है, क्यू घंटे में खाली करता है। और दोनों मिलके जब ए और बी साथ में कार्य कर रहे होते हैं तो कितने घंटे में कार्य करते हैं, आर घंटे में। तो आपसे पूछा गया रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ए पी घंटे में पूरी टंकी को भर देता है यानी एक घंटे में एक बटे पी भरती होगी टंकी, बी क्यू घंटे में, बी क्यू घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है यानी कि एक घंटे में एक बटे क्यू खाली करता है। इसके बाद माइनस लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि ये खाली करता है तो इस वजह से हम भूले ना, तो हमने माइनस लगा लिया। अब आपको पता है दोनों साथ कार्य करते हुए आर घंटे में भर देते हैं, यानी कि एक घंटे में कितना कार्य करते हैं, एक बटे आर। अगर आर घंटे में भर देते हैं दोनों साथ में कार्य करते हुए तो एक घंटे में कितना करेंगे, एक बटे आर। अब आपको पता है ए भाई साहब एक घंटे में भरते हैं एक बटे पी, और बी भाई साहब खाली करते हैं यानी माइनस एक बटे क्यू खाली होता है, तो एक घंटे में रिजल्टेंट पानी के बराबर होता है। यानी हमारा रिलेशन क्या आ गया, वन बाई पी माइनस वन अपान क्यू इज इक्वल टू वन अपान आर। समझ में आ गया, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से वन बाई आर की वैल्यू वन अपान पी माइनस वन अपान क्यू हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे आए, समझ आ रहा है ना, चलिए अगले प्रश्न पे। कहा क्या गया है द डेली वेजेज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर 3.50 रुपीज़ एंड 2.50 रुपीज़। ए की दैनिक मजदूरी है 3.50 रुपये और बी की दैनिक मजदूरी है 2.50 रुपये। अब क्या कहा गया है, ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यानी ए जब पूरा काम ख़त्म करता है तो उसे 63 रुपये मजदूरी के लिए मिलते हैं, यानी कि 3.5 रुपये प्रतिदिन पाते हुए अगर वो 63 रुपये पाता है यानी कितने दिन काम करता होगा, 18 डेज ये कार्य करता है। अगर एक दिन में 3.5 रुपये तो 63 रुपये के लिए कितना दिन करना पड़ेगा काम, 18 दिन, ठीक है। और कहा गया जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं, यानी बी एक दिन में 2.5 रुपये पाता है और 75 रुपये पाने के लिए इसे कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी 30 दिन, बी 30 दिन में इसका मतलब काम ख़त्म करता है। कहा गया यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम की लागत क्या आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ए 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ए 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 18 × 30 / 18 × 30 यानी कि 18 × 30 / 18 + 30 यानी 6 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 30 यानी 90 / यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 10 यानी 90/13 दिन में, 90/13 दिन में। अब एक चीज़ बताइए, 90/13 दिन किसने काम किया, ए और बी दोनों ने। ए एक दिन में 3.5 रुपये कमाता है, बी एक दिन में 2.5 रुपये, यानी एक दिन में ए और बी मिलके कितना कमाते हैं, एक दिन में ये 6 रुपये कमाते हैं, एक दिन में ये दोनों मिलके कितना रुपया कमाते हैं, 6 रुपये। हम सही कर रहे हैं ना, 13 ना आके यहाँ पे कितना आएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30 ये 8 आएगा, 90/8, ठीक है। एक दिन में ए और बी 6 रुपये कमाते हैं तो 90/8 दिन टोटल इन्होंने काम किया है तो कुल रुपया कितना लगेगा, 90/8 दिन में, एक दिन में अगर ये 6 रुपया कमाते हैं तो 90/8 दिन में 90/8 × 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 540/8 या हम कहें कि 45 छक्का 270/4 तो ये आपका हो जाएगा 4 × 6 = 24 4 × 7 = 28.50 रुपीज़। कितना रुपया मिलेगा, 67 रुपये 50 पैसे। आपको क्या करना है, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। अब अगर ए बी 18 और 30 दिन में करते हैं तो ए और बी मिलके, अगर ए ए दिन में करता है, बी बी दिन में करता है, तो दोनों मिलके ए इंटू बी अपान ए प्लस बी दिन में। तो हमने उससे निकाल लिया कि कितने दिन काम होगा, और हमें यह पता है कि ए और बी मिलके एक दिन में 6 रुपये कमाते हैं, कुल 90/8 दिन कार्य करा तो कुल कितने रुपये मिलेंगे, ए ऑप्शन 67 रुपये 50 पैसे। अगले प्रश्न पे आते हैं,
अगला प्रश्न ये लीजिए सीपीएसपी से आगे यानी प्रॉफिट लॉस से। कहा गया किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो उसके सीपी से 30% अधिक है, यानी मार्केट प्राइस जो है वो सीपी अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना है 130। ठीक है, कहा गया कोई व्यापारी उसे 10% छूट पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको। 10% छूट देगा तो कितने रुपये की छूट देगा, 13 रुपये की, यानी बिकेगी, एसपी कितना हो जाएगा, अगर 130 रुपये अंकित था 13 रुपये की छूट यानी 170 रुपये में बेचेगी। अब अगर 100 रुपये में खरीदी गई 170 रुपये में बेची गई तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 17 रुपये का, यानी 17 रुपये 100 का कितना परसेंट है, 17%। तो आपका आंसर आ जाएगा 17%, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया है अगला भी सीआईएसआई प्रॉफिट लॉस से है। कहा गया कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है उस पर 10% सीमा शुल्क देता है, यानी कि जब देश में आता है तो 10% शुल्क लग जाता है, यानी 50 रुपये शुल्क। आप पहले उसकी घड़ी 500 में खरीदी थी और 50 रुपये शुल्क यानी कि 550 रुपये उसका पड़ा, क्रय मूल्य समझ लीजिए। कह गया वो खरीदारों को 25% की छूट देके 20% लाभ कमाना चाहता है। एक चीज़ बताइए, अगर ये 20% लाभ कमाना चाहता है तो इसको अगर ये 5 में होता तो 6 में बेचना पड़ता, क्योंकि 5 अगर 5 इसका क्रय मूल्य होता तो 6 में बेचना पड़ता, यानी 550 क्रय मूल्य है तो 550 × 6/5 में बेचना पड़ेगा। और कहा गया कि दुकानदारों को कितने परसेंट की छूट देना चाहता है, 25% की, यानी कि दुकानदारों को कितने परसेंट की छूट देना चाहता है, 25%, यानी मार्केट प्राइस जो भी होगी उसके 3/4 पे बेचना चाहता है। 25% की छूट देगा तो 3/4 हिस्सा तो बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो यहाँ से आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। सॉल्व करिए, 3 से कटाइए 2 हो गया, ठीक है, यानी कि आपका 5 से कट के 110 दे देगा, यानी आपका एमपी बटे 4 बराबर हो गया, मार्केट प्राइस बटे 4 बराबर हो गया 2 × 110 यानी 220। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा 880 रुपये, यानी कि कितना रुपया अंकित करे, 880 रुपये अगर वो अंकित कर देगा तो 20% लाभ कमा लेगा, अगर वो 25% की छूट देगा तो भी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका रेशियो से है। कहा गया है कि 49 किलोग्राम के चाय के मिक्सचर में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। असम और दार्जिलिंग की चाय किस अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में। टोटल है 49 किलोग्राम, यानी 5/7 हिस्सा असम की चाय है और 2/7 हिस्सा दार्जिलिंग की चाय है। 5/7 बोले तो 35 किलोग्राम ये है और 14 किलोग्राम ये है। ठीक है, अब कहा गया अब असम और दार्जिलिंग के चाय को अनुपात, चाय के अनुपात को 2:1 करने के लिए कितनी मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिलाना चाहिए। कहा गया है, एक ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 2:1 करना है, यानी कि इस अनुपात को 2 बनाना है आपको और इसको 1। अगर 35:2 बनेगा तो 1 = कितना हो जाएगा, 17.5, यानी कि अगर ये 35:2 बनाएंगे, चूंकि असम की चाय तो मिलाई नहीं जाती, मिलाई क्या जाती है, दार्जिलिंग की चाय, यानी कि असम की चाय यही 35 किलोग्राम है, ये 35 किलोग्राम रेशियो में 2 दे रहा है, यानी कि 1:17 हो गया और दार्जिलिंग के लिए आपको रेशियो दिया गया है 1, यानी दार्जिलिंग की चाय आप कितनी हो जा रही है, 17.5। अरे असम की चाय 35 है तो दार्जिलिंग की चाय 17.5 ही तो होगी, तभी तो अनुपात 2:1 होगा। अब ऑलरेडी आपको पता है कि असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय कितनी थी, 14 किलोग्राम, अब हो गई 17.5 किलोग्राम, तो कितना मिलाया गया, 3.5 किलोग्राम। तो करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन इसको बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, समझ के, समझ, मैथमेटिक्स मतलब होता है समझ। समझ अगर आपकी डेवलप हो गई ना मेरे भाई, तो आप प्री में 50 क्या, मेंस में 200 भी लाएंगे। ठीक है, मेरा नहीं आया, 7 नंबर चले गए, लेकिन आप ला सकते हैं। ठीक है, मैंने जो गलतियाँ की वो आप अगर नहीं करेंगे तो 200 में 200 बहुत आसान है यार लाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका एवरेज से है। क्या कहा गया, कहा गया कि 15 मूवी थिएटर्स एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर डे, यानी पर थिएटर पर डे, यानी 15 थिएटर हैं और प्रत्येक में 600 डेली आते हैं, 600 डेली आते हैं। कहा गया उनमें से 6 थिएटर बंद हो गए, यानी अब कितने खुले रह गए, 9, किंतु थिएटर में आने वालों की कुल उपस्थिति वही रहती है, यानी पहले कितनी थी, 15 थिएटर में, एक थिएटर में 600, तो कुल कितने आते थे, 9000, कुल 9000 आते थे। अब 9 थिएटर बचा और 9 में ही उपस्थिति सेम है, यानी 9 में ही 9000 आते हैं, यानी एक में अब कितने आते हैं, 1000, यानी एक थिएटर में 1000 व्यक्ति अब आते हैं। तो कहा गया कि शेष थिएटरों में, प्रत्येक थिएटरों में दर्शकों की औसत दैनिक उपस्थिति क्या है। अब अगर 9 में ही 9000 को आना है तो एक में 1000 आएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं।
अच्छा, कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि सर इसका लेवल बिलो नहीं हो गया लेवल से परीक्षा के। देखिए मेरे भाई, 10-5 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे जो बहुत आसान होंगे, लेकिन 10 प्रश्न अच्छे होंगे, 5 मॉडरेट होंगे, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। कहा गया ए और बी जो है, ये पार्टनरशिप का है, कहा गया ए और बी को संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट दिया गया है इनका, ठीक है? और उन्होंने डिसाइड क्या किया कि वह ए के लाभ का 1/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर करेंगे। देखिए, ए के लाभ का 2/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर होगा, 1/3 भाग, सॉरी यहाँ पे 1/3 कर लीजिएगा, यानी ए के लाभ का 1/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 5a = 6b, अनुपात कुछ इस प्रकार से। आप एक काम करिए, आपसे पूछा गया है कि बी का लाभ क्या होगा, देखिए यहाँ से ए अनुपात बी निकालिए, ए अनुपात बी आ गया आपका 6:5। अब आपसे बी का लाभ पूछा गया, यानी बी पाता है 5 हिस्सा जिस अनुपात में, देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी का जो अनुपात है इसी अनुपात में तो लाभ डिवाइड होगा। तो कहा गया बी पाता है 5 हिस्सा out of 11, बी पाता है 5 हिस्सा out of 11, और कुल लाभ हुआ है 1650 का, तो बी को 1650 का 5/11 हिस्सा मिलेगा, यानी 5/11 × 1650, 11 से 1 कटेगा, 150 दे देगा, यानी 5 × 150, यानी कुल रुपया बी को कितना मिलेगा, 750, 750। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं, परसेंटेज से अगला प्रश्न है हमारा। कहा गया किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय 1 वर्ष में 25% बढ़ जाती है, यानी अगर 100 थी तो 125 हो गई। फिर कहा गया अगले वर्ष 4% घट जाती है, ठीक है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। फिर से देखिए, कहा गया 1 वर्ष में 25% बढ़ती है, फिर अगले में 4% घट जाती है, फिर 25% बढ़ती है, फिर 4% घट जाती है, फिर 25% बढ़ेगी, यानी कि 1 साल 25% बढ़ती है तो अगले साल 4% घट जाती है, यानी कि एक साइकिल कुछ इस प्रकार से बनेगा, 25% बढ़ी फिर 4% घट गई, फिर 25% बढ़ी फिर 4% घट गई, फिर 25% बढ़ेगी। 5 साल में पूछा गया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, तो आपको दिया गया है कि उसकी कुल आय अब कितनी हो गई, 72,000। तो आपसे पूछा गया, नहीं, 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 हो जाएगी, तो आपसे कहा गया वर्तमान आय कितनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान आय प्रेजेंट इनकम मान लें हम PI है, तो पहले साल क्या हो जाएगा, 4 था तो 5 हो गया, उसके अगले साल 4% कमी यानी 25 था तो 24 हो गया, फिर अगले साल 5/4 हो जाएगा, फिर अगले साल 4% की कमी यानी 24/25 से गुणा होगा, यानी कि फिर अगले साल 4 था तो 5 हो जाएगा। 25% एक साल बढ़ती है, 25% बढ़ने का मतलब कि अगर 4 आय होती तो 5 हो जाती, और 4% कम होने का मतलब 25 अगर थी तो 24 हो गई, ठीक है? और ये बराबर आपको दिया गया है कितना, 72,000, ये बराबर कितना दिया गया है, 72,000, ठीक है? अब आपको प्रेजेंट आय निकालनी है, तो सॉल्व कर लीजिए, 5, 5, 25 कट गया, ठीक है, 4 से ये 6 कटा, 4 से ये 6 कट गया, मतलब 24 कट के 6 दे दिया, अब बच क्या रहा है, हाँ, फिर 6 × 6 = 36, तो 4 से कट के ये 9 दे देगा, यानी कि आपका 5 से कट के 5 दे देगा, यानी कि प्रेजेंट इनकम इंटू 9/5 = आपका आ गया 72,000, ठीक है? यानी 9 से कटेगा ये 8,000 दे देगा, यानी प्रेजेंट इनकम 5/5 अगर 8,000 है तो प्रेजेंट इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया ना? अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया किसी नदी में, यानी ऑन अ रिवर, ध्यान दीजिएगा, ऑन अ रिवर क्यू इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स P and R ऑन द सेम बैंक, ये बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 12 आवर्स एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 आवर्स 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P। कहा गया किसी नदी में एक ही किनारे पर 2 बिंदु है P और R, P है और R है, इनके मध्य का बिंदु है Q। कहा गया कोई जो नाव है वो P से Q तक जाती है और वापस आती है 12 घंटे में, यानी P से Q तक गई, यानी ये दूरी गई और ये वापस आई, यानी कि अगर धारा की दिशा में X+Y गई, X+Y धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, यानी जाने में अगर धारा के दिशा में गई तो आने में धारा के विपरीत आएगी, यानी A/X+Y प्लस A/X-Y बराबर आपको दिया गया 12। अरे ये दूरी है, और अगर धारा की दिशा में जाएगी, नाव की चाल अगर x है, धारा की चाल y है, तो X+Y चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, और विपरीत दिशा में X-Y होती है, तो A गई तो A/X+Y समय लगेगा, वापस आई A/X-Y, और टोटल समय आपको 12 घंटे दिया गया। कहा गया P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है, यानी P से R तक, यानी 2A, ये अगर मिड पॉइंट था तो ये भी ये हो गया, यानी 2A/X+Y आपको दिया गया है कितना, 16 घंटे 40 मिनट, 16 घंटे 40 मिनट यानी कि
16 सही 2/3 घंटे, यानी यहाँ से हमारा ए बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा 8 सही 1/3 घंटे, 8 सही 1/3 घंटे। अब आपसे कहा गया उसे आर से पी जाने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ बताइए मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन आपको पता है, यहाँ पे ए प्लस एक्स, ए बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12 - 8/8 = 1/3, यानी 3 सही 2/3। अब अगर उसे ए दूरी वापस आने में इतना समय लगता है, तो आर से पी पूछा गया, यानी 2a दूरी कितना समय लगेगा, 2a/x - y जाने में, यह कितना है 3 * 3 = 9, 2 = 11/3, यानी कि 22/3 घंटे लगने वाले हैं। समझ आ रहा है ना। देखिए फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। कहा गया ए दूरी, ये मिड पॉइंट है, तो यानी अगर ये ए है तो इतना भी ए हो जाएगा। ए दूरी को अगर धारा की इधर मान लीजिए धारा की दिशा में गई, तो वापस आते समय धारा के विपरीत हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर एक तरफ आपको मान लो हवा चल रही है और आप बाजार जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जाते हुए मुझे हवा अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही थी, तो आप कहेंगे आते समय आपका सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि आएंगे वापस तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ना। तो यानी ए एक्स प्लस वाई से गई तो ए बटे एक्स प्लस वाई समय लगा, वापस आ गई ए बटे एक्स माइनस वाई समय लगा, टोटल समय आपको दिया गया 12 घंटे। ठीक है, अब कहा गया कि पी से आर जाती है, यानी 2 ये दूरी धारा की दिशा में जाएगी, क्योंकि हमने मान लिया है कि पी से आर की तरफ जब जाएगी तो धारा की दिशा में, यानी चाल होगी एक्स प्लस वाई, तो समय लगेगा 2a/x + y, ये बराबर दिया गया 16 सही 2/3 घंटे। अब यहाँ से हमने निकाल लिया a/x + y, यहाँ पे पुट करके a/x - y निकाल लिया। हमें पूछा गया कि पूरी दूरी वापस आने में, यानी a/x - y आ गया, तो इसका दूना है 2a/x - y निकालना था, हमने निकाल के 22/3, या हम कह सकते हैं 7 सही 1/3 घंटे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ट्रिगो का है। आप कहेंगे जी 30 नहीं है क्यों लिखा, इस वजह से लिखा मेरे भाई क्योंकि 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप मान जाएंगे बुरा। ठीक है, तो मैंने ए ए ए बी लिख के ऐसे बीच में डाल दिया है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया x sin³θ + y cos³θ = sin θ cos θ, x sin θ - y cos θ = 0, तो x² + y² की वैल्यू पूछी गई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये SSC CGL मेंस का प्रश्न है, ठीक है, 2016 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले आप आइए, यहाँ से हम कह सकते हैं x sin थीटा बराबर कितना हो गया y cos थीटा, एक मिनट थोड़ा सा राइटिंग बिठा दें, नहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा, y cos थीटा, ठीक है, x sin θ = y cos θ हो गया। अब इसमें आइए, तो ये लिख लीजिए x sin³θ + y cos³θ को क्या लिख सकते हैं, y cos θ * cos²θ, ये बराबर आपको दिया गया sin θ cos θ। क्यों लिखा ये आपको बता दूं, देखिए y cos थीटा हमें पता है x sin थीटा होता है, तो पुट कर दीजिए, ये हो गया x sin³θ + x sin θ * cos²θ बराबर sin θ cos θ। ठीक है, ट्रिगो में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब यहाँ से x sin θ कॉमन ले लीजिए, तो x sin θ कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin²θ बचेगा, यहाँ पे cos²θ, यानी sin²θ + cos²θ बचेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1, और ये बराबर दिया गया है sin θ cos θ। अब यहाँ से हमारा sin θ कट गया, यानी x बराबर आ गया cos θ, क्या आ गया x बराबर हमें पता चल गया cos θ हो गया। ठीक है, x बराबर cos θ हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो sin θ * cos θ = y cos θ, यानी cos θ से x कट सकता है, यानी y = sin θ। अब y = sin θ, x = cos θ, तो x² + y² यानी कि cos²θ + sin²θ, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया है CI का प्रश्न है। कहा गया कि किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया, 2 वर्ष में 2420 रुपये हो गए, 3 वर्ष में 2620 रुपये हो गए, 2662 रुपये हो गए, तो बताइए राशि कितनी थी। एक चीज़ बताइए, अगर प्रिंसिपल पी था, रेट आर था, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, p × 1 + r/100² ये बराबर दिया गया है 2420। ठीक है, और 3 साल में कितनी हो जाएगी, p × 1 + r/100³, ये बराबर दिया गया 2662। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो आप क्या काम करिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से ये इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन ये 2 माने, 2 में फर्स्ट से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा 1 + r/100, जो कि हो जाएगा 2662/2420। 11 से काट दीजिए, 11 × 2 = 22, 4 × 6 = 11, 4 × 6 = 44, 242 हो गया, इधर कटेगा 11 × 2 = 220, 2 से कटेगा ये 121 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 110,
फिर 11 से काट देंगे, ये बचेगा 10, ये बचेगा 11, यानी ये आ जाएगा 11/10। 1 + r/100 = 11/10। अब आपसे कहा गया प्रिंसिपल निकालने को, तो आप कहेंगे अब तो बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि 1 + r/100 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर, यानी 121/100 बराबर है 2420। देखिए ट्रिक पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। मेरे चैनल खोलने का केवल और केवल एक मतलब था, आपको मैं बेसिक इतना स्ट्रांग कर दें कि आप ट्रिक बनाएं, खुद से ट्रिक बनाएं, ठीक है? तो 121 एक कम 121 दूना, यानी ये 20 हो गया, तो पी बराबर कितना हो गया, 20 × 100, यानी कि 2000। समझ आ रहा है ना? तो ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, अभी तक अगर नहीं किया कर दो, क्या देख रहे हो? ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया एसआई का क्वेश्चन है, कहा गया इफ़ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 ईयर्स एंड 5500 इन 4 ईयर 6 मंथ्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, कहा गया 2 साल में कोई धन जो है वो 4000 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष 6 माह में कितना हो जाता है, 5500 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा एक चीज़ बताइए कि अगर 2 वर्ष में इतना हुआ, 4 वर्ष 6 माह में इतना हुआ, तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष 6 माह में कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2.5 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 4000 था 5500 हो गया, यानी 1500 रुपये राशि बढ़ी, यानी 1500 ब्याज की रकम होगी, यानी कि हम कह सकते हैं 5/2 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो 1500 मिलता है, यानी कि 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलता है, 600 रुपये। 5/2 वर्ष में अगर 1500 मिलता है तो 1 वर्ष में 600 रुपये मिलेंगे। अब 1 वर्ष में अगर 600 मिल रहे हैं तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मिलेगा 1200 रुपये, 2 वर्ष में 1200 रुपये। अब एक चीज़ बताइए, 2 वर्ष में 1200 रुपये ब्याज मिलने के बाद हमारी राशि हुई है 4000, यानी प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल और ब्याज मिल के 4000 हुई है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 4000 - 1200 यानी 2800, ठीक है? 2800 हमारी राशि है और इस पे 600 रुपये पर हर साल का ब्याज मिलता है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है क्या, ब्याज एसआई 1 वर्ष के लिए 600 / प्रिंसिपल 2800 × 100, तो 1020 1020 4 से काट दे, 4 × 7 = 28, ये हो गया 150, यानी रेट आ गया 150/7, यानी 150/7 कहने का मतलब 21/3/7%, तो 21/3/7% क्या हो गया, रेट, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ठीक है? अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो भाई, हमने मेंसुरेशन का प्रश्न लिया, हमने अभी मेंसुरेशन का आगे होगा, हमने 3D का ले लिया, यानी कि आप मेंसुरेशन का ही कहेंगे। कहा गया ये हालो सिलिंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूजिंग इन द मेकिंग ऑफ द ट्यूब इज, कहा गया कि एक खोलना खोखली बेलनाकार ट्यूब है, कुछ इस तरह से आपकी ट्यूब है, ये मान लीजिए आपकी खोखली ट्यूब है, ठीक है? इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, यानी कि अगर ये ट्यूब कुछ इस प्रकार से थी, ये आपकी कुछ इस तरह से दी गई, ठीक है? ये ट्यूब थी। अब कहा गया इसका बाहरी और आंतरिक व्यास, यानी कि बाहरी का अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। इंटरनल डायमीटर कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। आपको पता है लंबाई, लंबाई केस यहाँ क्या हो जाएगी, ऊंचाई, यानी h बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताइए, आपसे कहा गया कि प्रयुक्त लोहे का आयतन, यानी कि सीधे सीधे खोखले बेले का बेलन का आयतन आपसे पूछा गया, यानी कि हालो सिलेंडर का आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम क्या होता है, π (Y)√R²-R²(H). अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर फार्मूला नहीं याद होता, देखिए फार्मूला याद नहीं करना है मैथ में, इतना अप्लाई कर देना है कि आपको याद हो जाए। मैंने कभी फार्मूले नहीं याद किए, यहाँ तक कि प्योर मैथ का मतलब उसमें कई सारी डिफिनीशंस होती थी, मैं समझने की कोशिश करता था, ठीक है? हाँ, कई चीज़ें होंगी जो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अब देखिए π(R²-R²)√H, अच्छा यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, देखिए ये जो है ये इसका डायमीटर मतलब वो क्षेत्रफल होगा किसका, रिंग का, और रिंग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, π(R²·H), वो वॉल्यूम बन जाता है। सिमिलरली अगर हम देखिए पूरा मेंसुरेशन एक ही तरह से है, अगर हम बात करें घन के लिए तो उसको घनाभ के लिए, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, l×b λ×चौड़ाई, और अगर ऊंचाई से उसमें गुणा कर देते हैं तो वहां आयतन मिल जाता है। अगर हम बात करें किसके लिए
बेलन के लिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें अगर गुणा कर देंगे ऊंचाई से तो यहाँ भी मिल जाएगा, यानी किसी में भी आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ, अब आप कहेंगे जी कोण में क्यों नहीं होता, क्योंकि कोण देखिए ऐसे सीधे अगर जाता तो वो सिलेंडर बन जाता, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा ही रह जाता है, तो यहाँ पे 1/3 लग जाता है, समझ आ गया। तो चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गए हम लोग, फर्जी चीज़ें पढ़ने लगे, वैसे आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो ये हो गया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि 16 - 9 तो ये 7 हो गया, इंटू एच 20, यानी कि ये हो गया पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 गुणे 7 गुणे 20, 7 कट गया, यानी आपका आ गया 22 × 20 यानी 440 cm³। अगले प्रश्न पे आते हैं, मेंसुरेशन प्लस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न मिक्स होके आपके एग्जाम में पूछा गया था, SSC के एग्जाम में। कहा गया द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, यानी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है 3:2 है, यानी ये 3x है तो ये 2x है, ठीक है, आयताकार पार्क। कहा गया कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है तो एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है, यानी परिसीमा बोले तो मतलब इधर से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, मतलब परिसीमा पे चला यानी कि परिधि पे चला, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 × L+B होती है, यानी 2 × उसने कुल कितनी दूरी तय करी उसकी परिधि के बराबर, यानी दूरी बराबर हो जाएगी 2 × L+B यानी 2 × 3x + 2x यानी 5x, यानी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है 10x, ये हो गई डिस्टेंस 10x, उसकी कुल डिस्टेंस होगी। और आपको चाल दी गई है, स्पीड दी गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और 8 मिनट तक चलता है, 8 मिनट तक अगर चलेगा, स्पीड इतनी है, टाइम आपको पता है कितना है, 8 मिनट को उसमें बदल लीजिए, किसमें, घंटे में, तो 8/60 हो जाएगा, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी 10x = हो जाएगा स्पीड, एक मिनट 10x साफ लिख दूँ, 10x बराबर हो जाएगा स्पीड 12 × 8/60, ये किलोमीटर में आ रहा है, 12×5 = 60, यानी कि x बराबर हो गया 8/50। आपसे पूछा गया पार्क का क्षेत्रफल, अब अगर 8/50 किलोमीटर आया है तो 1000 से गुणा करके मीटर में बदल लीजिए, यानी 1000 से गुणा कर ले अगर हम तो पाँच से 20, यानी 160x की वैल्यू आ गई, 160 हो गई x की वैल्यू। अब आपसे पूछा गया एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आपकी लंबाई कितनी है 480, चौड़ाई है 320, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2×8 = 16, यानी 13,560 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं 3×6 × 16² 256 और 0, यानी कि आपका हो जाएगा 6×36 = 33, 6×5 = 33, 3×3 = 12, 3×15 यानी 15×36, ये वाला होगा थर्ड ऑप्शन होगा, 15×36 = 0 आपका एरिया आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई, आपको लंबाई पता चल गई, आपको चौड़ाई फटाफट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया है 4 circles ऑफ इक्वल रेडियाई आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 corners ऑफ अ स्क्वायर सो दैट ईच टचेज 2 ऑफ द अदर। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर वृत्त बनाए गए हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, इस प्रकार बनाए गए हैं कि वह एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम बना देते हैं, एक मिनट, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, टच करवाना है भाई साहब, एक वृत्त ये हो गया, खुला नहीं रहता वृत्त, और एक वृत्त ये हो गया, ये टच कर रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 cm, ध्यान दीजिएगा अगर ये पूरा 140 है और चारों वृत्त समान त्रिज्या के, बराबर त्रिज्या के बनाए गए हैं, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, सिमिलरली ये भी आर, इसकी भी त्रिज्या आर, इसकी भी त्रिज्या, यानी सबकी त्रिज्या आर है अगर चारों समान वृत्त बनाए, और वर्ग की भुजा दी गई है आपको 140, यानी कि वर्ग की भुजा कितने के बराबर है, आर प्लस आर, यानी 2r बराबर आपको सीधे सीधे दिया गया है 140, यानी आर बराबर आपको दिया गया समझ लो 70। अब कहा गया वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध क्षेत्र निकालना है, यानी कि कौन सा क्षेत्र, एरिया निकालना है आपको, ये वाला, ध्यान दीजिएगा ये एरिया जो मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए ये एरिया निकालने के लिए जो मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये निकालने के लिए आप वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, यानी कि ये चारों मतलब क्या कहते हैं उसको, क्वार्टर का, सर्किल क्वार्टर का एरिया घटा दें, तो आपका ये ही तो आ जाएगा,
ये जो ग्रीन कलर से, यानी कि ग्रीन एरिया बराबर हो जाएगा, ग्रीन एरिया बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा अगर 140 है तो उसका क्षेत्रफल 140 का स्क्वायर माइनस इनका चारों का, जो ये चारों वो हैं, ये वाला चारों कौन से, चारों जो मतलब वृत्त चतुर्थांश बने हैं उनका एरिया। अब एक चीज़ बताइए, अगर सेम त्रिज्या के चार वृत्त चतुर्थांश हैं तो उनकी कुल एरिया मिलके एक वृत्त की त्रिज्या के, एक वृत्त के एरिया के बराबर हो जाएगी। यानी कि इसमें से हमें घटाना है एक वृत्त की एरिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 70, यानी पाई इंटू 70 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया 140 का स्क्वायर, यानी 196 बार डुअल जीरो माइनस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 70 गुणे 70, ये कट के 10 हो गया, यानी आपका हो गया 196 डुअल जीरो माइनस 22 220 और गुणे 70, यानी 15,400, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा 3200, कितना आ जाएगा 4200, समझ आ रहा है ना। तो 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एरिया आ जाएगी। हमें क्या करना था, हमें निकालना था एरिया। हमने कहा कि सर इसकी एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया अगर घटा देंगे वर्ग के एरिया में से तो यही तो आ जाएगा। बच क्या रहा है, देखिए जो कलर रीजन है वही तो बच रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे, समझ में आ रहा है ना। चलिए, कहा गया एक वर्ग और एक समषट्भुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि वर्ग और समषट्भुज के सभी शीर्ष आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्त पर हैं, तो वर्ग और षट्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा, बहुत इजी सा प्रश्न है। यह आपका कोई वृत्त है, वर्ग बनाया गया है जो उसका जो चारों बिंदु हैं, मतलब चारों शीर्ष उसके हैं। एक मिनट, वर्ग आप थोड़ा अच्छा बनाइए, लगे वर्ग है, नहीं तो आप लोग कई बार कहते हैं सर वर्ग आपने तो बनाया नहीं, आपने तो पता नहीं क्या। यह वर्ग मान लीजिए भाई साहब, ये आयत की नुमा दिख रहा है लेकिन वर्ग मान लीजिए, ठीक है। और समषट्भुज बनाया गया है, समषट्भुज बोले तो षट्भुज क्या होता है, ये और ये समषट्भुज बनाया गया, ठीक है। और सबका शीर्ष आप देख पा रहे होंगे कि किस पे, वृत्त पे है। अब कहा गया वर्ग और समषट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है, वर्ग और समषट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। एक चीज बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे केंद्र इसका ओ हो, सबसे पहले जानिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो यहाँ से ऐसे ड्रा कर दीजिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर जो होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा, यानी वर्ग की भुजा अगर ए है तो उसका विकर्ण कितना होता है √2 ए, और ये बराबर हो जाएगा वृत्त के व्यास के, यानी 2r के, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा क्या ए बराबर आ जाएगा √2r, यानी वृत्त की भुजा पता चल गई। अब वृत्त की, सॉरी वृत्त की नहीं, वर्ग की भुजा पता चल गई। अब हम अगर समषट्भुज की भुजा निकाल लें तो आप आसानी से एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ ड्रा कर दें, यहाँ से यहाँ ड्रा कर दें, तो आपको पता है कि ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल होंगी, ठीक है। अब अगर ये रेडियस हैं इक्वल होंगी तो आपको पता है कि समषट्भुज वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनाता है, वृत्त के केंद्र पे ये कितना कोण बनाता है। आप कहेंगे जी वृत्त के, देखिए ये 60 कितने का कोण बनाता है, 60 अंश का। वृत्त की कोई समषट्भुज की कोई भुजा वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। और अगर ये भुजा इसके बराबर है, दोनों त्रिज्या है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। यानी कि आपके समषट्भुज का जो भुजा होगी वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो समषट्भुज की भुजा आर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि समषट्भुज की कोई भुजा, समषट्भुज मतलब कि जिसका रेगुलर हेक्सागन, उसकी कोई भी साइड सेंटर पे सर्किल के कितने अंश का कोण बनाएगी, जब पूरा कोण 360 है, 6 भुजाएं हैं तो डिवाइड कर दीजिए, एक भुजा कितने बनाएगी 60 अंश का, यानी कि यहां से हमारी भुजा आ गई आर। अब आपको पता है कि समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर भुजा उसकी आर हो तो आप कहते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है, यानी 6 गुणे √3/4 गुणे आर स्क्वायर, ये होता है किसका एरिया, समषट्भुज का। और वृत्त की वर्ग की भुजा √2r है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, √2r का स्क्वायर। अब इसी का आपको अनुपात पूछा गया था तो आप अनुपात आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि ये हो गया √2r का स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 ये 3 √3/2r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3√3, यानी अनुपात कितना आ गया, 4/3√3। समझ आ रहा है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगर कोई समषट्भुज
किसी वृत्त के अंदर बना है तो उसकी जो साइड होगी समषट्भुज की वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मैं वैल्यू पुटिंग से करवाऊंगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से अभी हमने नहीं किया है कोई प्रश्न। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बराबर पुट करते हैं 2, बी बराबर पुट करते हैं 1-1, सी बराबर पुट करते हैं -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे निकालने को कहा गया 1/a + b, b + c, यानी 1/a + b, यानी 1 × b + c, यानी -2, 1 × -2, +1/b + c, यानी -2 × c + a, 1। ठीक है, +1/c + a, यानी कि -1, c + a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और × a + b, यानी कि 1। यानी आपका ये हो गया -1/2, ये भी -1/2 हो गया, और प्लस ये 1 हो गया, यानी 1 − 1/2 − 1/2, यानी 1 − 1, और इसकी वैल्यू हो गई 0। समझ आ गया? तो आप वैल्यू पुटिंग बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे, a + b बराबर -c हो जाएगा, b + c बराबर -c, ये हो जाएगा, इस मेथड से आप करते हुए कर पाएंगे। तो ये आपको करना है, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक मेथड और बता दे रहा हूँ, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b, b + c और c + a। ठीक है, अब यहाँ पे c + a से गुणा होगा, अगले वाले में a + b से, और उसके अगले वाले में b + c से गुणा होगा, तभी तो हर बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 2a + 2b + 2c, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a + b + c डिवाइडेड बाई समथिंग। अब a + b + c की वैल्यू अगर 0 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न सर्कल से लिया है। आप पूछेंगे 25d कैसे आ गया, बीच बीच में ऐसे मैं आपको थोड़ा सा आपका नज़र बंद करूंगा ताकि ज़्यादा प्रश्न कर पाएँ। ठीक है, कहा गया ए और बी दो वृत्तों के केंद्र जिनकी त्रिज्याएं कुछ दी गई हैं। कहा गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा, मतलब कॉमन टेंजेंट लाइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है जो पी और क्यू पे सर्कल्स को वो करती है, टच करती है। ए बी बराबर दिया गया है, पी क्यू की लंबाई पूछी गई। देखिए एक वृत्त ये है आपका, एक वृत्त ये है आपका, दोनों की, एक मिनट, ये 11 इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 6 है, और इसके बीच, मतलब इसके सेंटर के बीच की दूरी 13 है। अगर इनकी त्रिज्याओं का योग इसके बीच, इनके सेंटर के बीच की दूरी से ज़्यादा है, यानी कि ये इंटरसेक्ट जरूर करते होंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते होंगे, और इनकी कुछ स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब कहा गया ये पी और क्यू पे स्पर्श करती है, ए और बी केंद्र है, यानी ए ये है, बी ये है। ठीक है, आपको दिया गया है ए बी बराबर 13, यानी ये दूरी दी गई है 13। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि पी क्यू की लंबाई बतानी है, पी क्यू की लंबाई बतानी है, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू की लंबाई, इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, अब आप सीधे जानिए, सीधे एक फार्मूला होता है कि अगर दो वृत्त स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कुछ है, तो आप देखिए, सबसे पहले मैं ये फिगर क्यों बना रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, अगर ये कितना है 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये 5 है, ये अगर 13 है तो ये भी 13 हो गया, 5 13, ये आपको पता है कर्ण होगा क्योंकि ये लंब होगा, ये हो जाएगी 12, तो पी क्यू की लंबाई 12 आ जाएगी। समझ रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये एक मेथड ऐसे भी जान लीजिए। देखिए आपको दिया गया है ये त्रिज्या पूरी 13 है, तो हम कहते हैं अगर इसके पैरेलल ए बी के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रा करी गई है, तो ये भी 13 हो जाएगी, यानी ये 13 हो गया। ये आपको दिया गया है दूसरे वाले की त्रिज्या 6 है, अगर ये पूरा 11 है, तो इतना अगर पैरेलल है, ये दोनों रेखाएँ पैरेलल हैं, तो ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पूरी त्रिज्या 11 थी, तो इतना 5 हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको पता है कि किसी वृत्त के केंद्र से उसके स्पर्श रेखा पे जो मिलाने वाली रेखा होती है उस पर लंब होती है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। अब स्मॉल ट्रायंगल में देखिए, जिसकी साइड 5 और 13 है, 13 कर्ण हो गया, ये आपका आधार या लंब हो जाएगा, तो ये वाला पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार या लंब, ये भी हो जाएगा। पाइथागोरस लगा देंगे तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है, उनकी रेडियस r1 व r2 हैं, तो उन कॉमन टेंजेंट पी क्यू की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से, r1 − r2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें रखेंगे तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जो कि 12 आ जाएगा।
ये प्रश्न अलजेब्रा का अच्छा प्रश्न है। देखिए कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स पावर 31 प्लस वाई पावर 35 की। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, एक तो आप क्या करें वाई को जीरो पुट कर दें, तो पहले तरीके से कर लेते हैं, वाई जीरो हो गया यानी ये खत्म, यानी यहाँ से हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर आपका आ गया माइनस वन। एक्स बराबर अगर माइनस वन आ गया तो आप कहेंगे जी माइनस वन के पावर 31 यानी माइनस वन और प्लस ये जीरो ही हो गया, यानी इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन किसका स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है। और आपको पता है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तभी जीरो होता है जब वो संख्याएं अलग अलग जीरो के बराबर होती हैं, यानी ये जीरो ये भी जीरो, वाई जीरो हो गया और एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन यानी इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी गाइज डीआई का हिंदी में मैं नहीं ट्रांसलेट कर पाया। कहा गया द गिवन पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन फाइव सब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई, पांच सब्जेक्ट हैं ए बी सी डी और ई, जिसमें पाई चार्ट जो है वो दिखाता है कि किसमें कितने परसेंट अंक मिले हैं। कहा गया द मैक्सिमम मार्क इन ई सब्जेक्ट इज 150 एंड ही ऑब्टेन ए टोटल ऑफ 600 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने हैं 150 हैं और उसने टोटल 600 नंबर स्कोर करे हैं। पांच सब्जेक्ट हैं और 150 नंबर का एक सब्जेक्ट है, यानी टोटल मार्क है 750 समझ लीजिए, ठीक है। और कहा गया उसने 600 नंबर गेन किए हैं, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी एंड डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल 360 अंश है और आपको पता होना चाहिए 360 अंश बराबर हो जाएगा कितना अंक वो पाता है, 360 अंश बराबर वो जितने अंक पाता है 600 मार्क्स, यानी कि 360 अंश बराबर अगर 600 मार्क है तो हम कह सकते हैं कि कितना 60 या ऐसे जीरो से काट लीजिए, जीरो जीरो काट कर दीजिए, यानी कि 6 अंश बराबर है 10 मार्क, समझिए सीधे सीधे 6 अंश बराबर है 10 नंबर के, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया कि बी और डी में जो स्कोर है उसका अंतर, तो बी में कितना पा रहा है 84, डी में कितना पा रहा है 72, तो बी माइनस डी कितना है 12 अंश के बराबर है, तो अगर 6 अंश बराबर 10 है तो 12 अंश बराबर हो जाएगा 20, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सी एंड डी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन व्हाट ई ऑब्टेन इन ए एंड डी टुगेदर, यानी कि सी और ई में जो प्राप्तांक है, सी और ई में कहाँ पे है ये दोनों, सी और ई जोड़िए, सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 6, 8, 14, 7, 6, 13, 1, 14, यानी सी और डी ई में 144 अंश के बराबर मार्क्स पाते हैं। और आपसे पूछा गया ए और डी में, ए और डी में कितने मार्क्स पाते हैं, ए है 60 और डी है 72 यानी 132। तो कहा गया कि सी और ई में प्राप्तांक ए और डी से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, तो प्रतिशत ज़्यादा के लिए सबसे पहले निकालेंगे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी 12 अंश, 12 132 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे जी 12/132 × 100 यानी 12 से 11 हो जाएगा, 11 से 100 में भाग देंगे तो 9.09% आपका आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर। देखिए अगर पांच सब्जेक्ट में वो 600 नंबर पाता है, पांच सब्जेक्ट में 600, तो एवरेज स्कोर कितना हो गया, एवरेज बराबर हो गया 120, एवरेज बराबर 120। और आपको पता है 6 अंश बराबर 10 मार्क्स होते हैं, तो आप 120 मार्क्स के लिए कितना अंश होना चाहिए 72 अंश। अगर 10 मार्क्स की जगह पे 6 अंश लिखते हैं तो हम कहेंगे 120 मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा 72 अंश, यानी कि 72 अंश से कितने सब्जेक्ट में ज़्यादा उसे मिले हैं, तो देखिए किस में 72 से ज़्यादा, एक में, दो में, तीन में, यानी ज़्यादा पूछा गया था, तो ज़्यादा ई में, यानी बी और ई में 84 और 76 72 से ज़्यादा है, ये 72 है। अगर पूछा जाए 72 या 72 से ज़्यादा तब तो आप तीन लेते, लेकिन यहाँ पे पूछे 72 से ज़्यादा यानी एवरेज स्कोर से ज़्यादा, तो आप कहेंगे जी केवल दो में, कौन कौन से सब्जेक्ट में, बी और ई में। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलिए करिए सिंप्लीफिकेशन, बहुत प्यार है ना सिंप्लीफिकेशन से। एक्स बराबर इतना दिया गया, वाई बराबर इतना दिया गया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए हम सबसे पहले अगर एक्स वाई निकालें, ऐसा प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, ये सीपीओ में इस बार एकदम सेम प्रश्न आया था, लेकिन ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है। एक्स वाई बराबर 1 2016 या 15 का है ये प्रश्न, ये दो तीन बार मिला है और सीजीएल 18 प्री में भी आया था, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। एक्स प्लस वाई निकालिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा √5 + 1 √5 + 1 का स्क्वायर बनाएगा गुणा करके, और उधर √5 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्या बनेगा √5 - 1 × √5 + 1 ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 - 1 तो ये 4 हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 + 1 + 2 √5 और प्लस 5
प्लस एक माइनस दो रूट पाँच बटे चार, ये आपका हो गया दो रूट पाँच कट गया, पाँच एक छः, छः बारह बटे चार यानी कि तीन, यानी x प्लस वाई आपको पता चल गया तीन है, एक्स वाई बराबर एक है। क्या पता चला? एक्स वाई बराबर एक है और x प्लस वाई बराबर तीन है। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और उसमें से एक्स वाई घट जाएगा तो पहला अंश मिल जाएगा, और अगर थ्री एक्स वाई घटा देंगे तो हर मिल जाएगा। अब सबकी वैल्यू पता है, धड़ाधड़ रख दीजिए, तो यानी कि तीन का स्क्वायर नौ माइनस एक आठ, तीन का स्क्वायर नौ और माइनस तीन छः, आठ और छः का अनुपात चार अनुपात तीन, आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको प्रश्न जो दिया गया अच्छा प्रश्न है, अलजेब्रा का प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे। कहा गया कि x प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस इतना बराबर जीरो। अब x की वैल्यू निकालें, आप देखिए कोई ऑप्शन अगर a b c तीनों को बराबर कर ले तो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो दो ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी को बराबर कर लेते हैं, यानी a b और c को बराबर कर लेते हैं, यानी a बराबर b बराबर c मान लेते हैं। तो पुट करिए तो ये हो गया x प्लस थ्री ए स्क्वायर बटे टू ए प्लस एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर अपान टू ए प्लस एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर अपान टू ए, ये बराबर जीरो दिया गया। टू ए से गुणा कर दीजिए, यानी थ्री एक्स प्लस नाइन ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस थ्री ए स्क्वायर। और माइनस थ्री ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपने चूंकि a को b माना है b को c माना है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन में ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, देखिए चूंकि सबसे पहले ऑप्शन पे खेलना है, ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं था जिसपे ए बराबर बी बराबर सी करने पे दो ऑप्शन मैच हो जाए, बस खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलिए ट्राइंगल का एक प्रश्न ले लिया हमने, कहा गया ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, डी ई एफ का 16 है, तो ए बी सी बराबर इतना है, तो ई एफ की लंबाई बताइए। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसका आपको क्या दिया गया है? समरूप है, इसका एरिया 9 है, इसका 16 है, बी सी बराबर दिया गया 2.1, तो इसकी लंबाई पूछी गई। आपको पता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी की एरिया अपान ट्राइंगल डी ई एफ की एरिया। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सिमिलरिटी की, यानी समरूपता की। अब देखिए बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, यानी बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर लिख लीजिए सीधे सीधे, ये बराबर है 9 बटे 16 को क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा हो गया बी सी बटे ई एफ बराबर 3 बटे 4, यानी हमें निकालना क्या है? ई एफ, तो ई एफ बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 बी सी, यानी ई एफ बराबर 4 बटे 3 गुड़े बी सी की वैल्यू 2.1, तो हो जाएगा 0.7, 4 गुड़े 0.7 यानी 2.8 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा इतना आपने देख लिया, अभी तक आपको ट्रिगो का प्रश्न नहीं दिखा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम कोई टॉपिक छोड़ दें। कहा गया वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बना के दिया गया था, लेकिन है नहीं। क्या करना है, सबको एक एंगल में बदल लीजिए, जैसे यहाँ 68 है तो चाहे सबको 68 में बदल लीजिए, चाहे सबको किस में बदल लीजिए? 22 में। तो हम क्या करते हैं, 22 में बदलते हैं, यानी 1 प्लस sec 22 प्लस cot 68 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 22, जो कि हो जाएगा tan 22 ब्रेकेट में 1 माइनस cosec 22 और प्लस cot 22, ठीक है। अब आप sin cos में सबको बदल दीजिए, तो यानी 1 प्लस 1 अपान cos 22 प्लस sin 22 अपान cos 22, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1 अपान sin 22 और प्लस cos 22 अपान sin 22, हर बराबर कर लीजिए दोनों में, तो यहाँ पे cos 22 जब बराबर होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 22, एक मिनट, 1 प्लस cos 22 प्लस sin 22 डिवाइडेड बाई cos 22, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 22 माइनस 1 प्लस cos 22 अपान sin 22 cos 22,
ठीक है। अब आप देखिए, साइन 22 प्लस कॉस 22 को एक टर्म मानिए और 1 को दूसरा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए साइन 22 प्लस कॉस 22 माइनस 1 यहाँ इधर लिखा है, साइन 22 प्लस कॉस 22 प्लस 1 इधर लिखा है, यानी ये बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा मिटा लेंगे तब करेंगे, यानी आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइन 22 प्लस कॉस 22 को ए ज्यूम करिए और उसके बाद में इसको बी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 22 प्लस कॉस 22 का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 प्लस 2 कॉस 22 साइन 22 और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 अपान साइन 22 कॉस 22। ठीक है, यहाँ पे क्या कट रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1 से 1 कट गया, साइन 22 से कॉस 22, साइन 22 कॉस 22 कट गया, यानी आपका बचा क्या 2, तो आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अच्छा त्रिकोण का एक ही प्रश्न है, ये भी नहीं हो सकता, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है, ये पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व्स कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है, अवनमन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है। अगर अवनमन कोण बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि जो गाड़ी है वो आपकी तरफ आ रही है। पहले 45 अंश था, अब 60 अंश हो गया, यानी ये 45 अंश था अब हो गया 60 अंश। ठीक है, समय लगता है 10 मिनट का, यानी कि अगर एक मिनट में वो ए दूरी तय करती है तो 10 ए इतनी दूरी हो गई। ठीक है, आपसे कहा गया कि कोण पहले 45 अंश था, यानी कि अगर इतनी दूरी x थी तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी अगर 45 अंश है, यानी ये कितना हो जाएगा x प्लस टेन ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आप ले लीजिए टेन किस वाले एंगल ट्राइंगल में, 60 वाले जो छोटा वाला ट्राइंगल है, यानी टेन 60 यानी रूट थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा लंब x प्लस टेन ए अपान आधार x, यानी कि यहाँ से रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस टेन, या एक्स को इधर ले आएँ तो रूट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन ए, यानी कि एक्स इंटू रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टेन ए, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए अपान रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे गुड़ा, यानी टेन ए रूट थ्री प्लस वन अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी तीन माइनस एक दो, दो से कट गया पाँच, यानी ये एक्स बराबर हो गया पाँच रूट तीन प्लस वन इंटू ए। यानी कि अगर गाड़ी ए मतलब ए मीटर प्रति मिनट चलती है तो 10 मिनट में 10 से आई थी, अब हमारी दूरी आ गई x, आपसे पूछा गया ये x दूरी चलने में कितना समय लगाएगी, आपको पता है गाड़ी की चाल है x मीटर पर मिनट, तो a मीटर पर मिनट, तो इतनी दूरी चलने में कितना समय लगाएगी, इतना बटे a दूरी बटे चाल, यानी कि पाँच रूट तीन बट प्लस एक इंटू a बटे a, तो कट जाएगा, यानी समय t इक्वल टू लगेगा पाँच इंटू रूट तीन प्लस वन मिनट, रूट तीन की वैल्यू होती है 1.732 मिनट, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा पाँच दूनी दस, पाँच या पंद्रह एक सोलह, पाँच सत्य पैंतीस, एक छत्तीस, पाँच एक पाँच एक, पाँच एक पाँच तीन आठ। ठीक है, तो आपका हो गया एक मिनट, हमने कहीं गलत, ये 2.732 होगा, यानी कि ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13.66 मिनट लगा। अब 13.66 मिनट कहने का मतलब 10.66 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 से गुणा कर दीजिए तो लगभग 40 सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी आपकी गाड़ी जो है 13 मिनट 40 सेकंड बाद आधार पे पहुंच जाएगी, यानी यहाँ पहुंच जाएगी, एक्स दूरी तय करने में उसे 13 मिनट 40 सेकंड लगेंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, अच्छा आपको एक होमवर्क देना है, वो होमवर्क दे दे रहा हूँ, फिर वो होमवर्क अगले एपिसोड में मैं करवा भी दूंगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में आपको सेंड कर देना है, ग्रुप का आप लिंक ले लीजिए @SSCMathsByRohit SSC_Maths_By_Rohit, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप भेज दीजिएगा आंसर, चेक कर लिया जाएगा और इसका सलूशन आपको अगले सेट में मिल जाएगा। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।